नमस्ते जी, मैं ऋषि राज आर्य सत्यपथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, सृष्टि के आदि से ही हमारे ऋषि मुनि महात्मा साधु सन्यासी सभी लोग यज्ञ को जानते थे, यज्ञ के महत्व को जानते थे व समझते थे। इसीलिए समस्त आर्यावर्त में यज्ञों का प्रचलन था। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह राजा हो या रंक प्रतिदिन यज्ञ करता था। विशेषकर गृहस्थियों के लिए यज्ञ अनिवार्य था। सार्वजनिक यज्ञों का भी आयोजन किया जाता था, विशेष यज्ञों का भी आयोजन किया जाता था। कई यज्ञ तो ऐसे होते थे जो कई कई महीनों तक चलते थे। ऐसे यज्ञ ऋषियों मुनियों द्वारा कराए जाते थे। समस्त आर्यावर्त में यज्ञ ही धर्म का आधार था। प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करता था। प्रत्येक व्यक्ति हवन में आहुतियां डालता था। प्रातः स्नान करके प्रत्येक व्यक्ति परिवार सहित या अकेले बैठकर के यज्ञ और संध्या अवश्य करता था। संक्षेप में कहें तो यज्ञ वैदिक धार्मिक पद्धति का मुख्य अंग था। मित्रों, वैदिक युग के रामायण काल में भी धर्म का आधार यज्ञ ही थे। महाराज दशरथ भी यज्ञ करते थे। उन्होंने तो पुत्रों की प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया था। महाराज जनक भी यज्ञ करते थे। महाराज जनक के बारे में तो एक प्रसिद्ध किस्सा भी आता है, आप सभी ने सुना होगा, अधिकतर लोगों ने सुना होगा। जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं कि एक बार जब वह अपनी प्रजा के साथ यज्ञ कर रहे थे तो उनके महल में आग लग गई। बार बार सेवकों द्वारा सूचित करने पर भी उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा, निरंतर यज्ञ करते रहे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात उन्होंने कहा कि आग बुझाने वाले तो अनेकों सेवक हैं, परंतु यज्ञ करना तो मेरा ही परम धर्म व कर्तव्य है। सभी राजाओं की प्रजा प्रतिदिन यज्ञ करती थी, प्रातः सायं यज्ञ व संध्या करना कभी नहीं भूलते। यज्ञ किए बिना लोग मुंह में निवाला तक ना लेते थे। तभी तो राजा महाराजा गर्व से प्रसन्न होकर कहते थे, नाना हिताग निर्णा विद्वान, अर्थात मेरे संपूर्ण जनपद में एक भी व्यक्ति एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र ना करता हो, संध्या ना करता हो, अविद्वान हो, मूर्ख हो। मित्रों, श्री राम जी व श्री लक्ष्मण जी भी प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। राक्षसों से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से उनके दो पुत्र श्रीराम व श्री लक्ष्मण को मांगा था। जब वनवास के लिए श्रीराम जी माता कौशल्या की आज्ञा लेने उनके भवन में गए, उस समय माता कौशल्या अग्निहोत्र कर रही थी। रामायण में अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, साक्षौम वसना दृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम ज्योति स्म तदा मनो व्रत कृत मंगलम। अर्थात माता कौशल्या रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मन से प्रसन्न हुई उस समय अग्निहोत्र कर रही थी। माता सीता भी प्रतिदिन यज्ञ किया करती थी। रामायण में आता भी है, जब हनुमान माता सीता को खोजने लंका गए, उन्होंने लंका के हर चप्पे चप्पे पर माता सीता को ढूंढा, हर जगह ढूंढा, परंतु माता सीता उनको कहीं नजर नहीं आई। फिर उनको एक नदी दिखाई पड़ती है। उनके मस्तिष्क में विचार आता है कि प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि माता सीता प्रतिदिन प्रातः व सायं अग्निहोत्र व संध्या किया करती थी, अगर वह जीवित होंगी तो अवश्य ही इस नदी के तट पर अग्निहोत्र करने अवश्य आएंगे, संध्या करने अवश्य आएंगे। महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्लोक के माध्यम से लिखते हैं, संध्या काल मनः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदी क्षेमां शुभ जलां संध्यार्थं वरवाणी। अर्थात संध्या काल में संध्या करने माता जानकी इस शुभ जल वाली नदी पर निश्चय ही आएंगे।
ऐसे अनेकों उदाहरण रामायण में आपको पदे पदे मिल जाएंगे। संक्षेप में कहें तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी राजा प्रजा सभी लोग हर व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः और सायं यज्ञ व संध्या अवश्य करते थे। यद्यपि महाभारत काल में लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया था, फिर भी लोग यज्ञ को करना कदापि नहीं भूलते थे। प्रतिदिन प्रातः और सायं यज्ञ अवश्य करते थे, यज्ञ में आहुतियां अवश्य प्रदान करते थे। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार विनायक दामोदर वैद्य चिंतामणि जी के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत मोमांसा में इस काल की धार्मिक व्यवस्था का सविस्तार वर्णन मिल जाएगा। वो लिखते हैं कि उस काल में भी तीन वर्णों के लोग प्रतिदिन प्रातः और सायं संध्या वंदन अवश्य करते थे, अग्निहोत्र अवश्य करते थे। तीन वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। इसीलिए समस्त आर्यावर्त में यज्ञों का प्रचलन था। योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी भी प्रतिदिन प्रातः और सायं संध्या व अग्निहोत्र किया करते थे। ऐसा महाभारत में आपको पदे पदे हर जगह आपको ऐसा उदाहरण मिल जाएगा। बहुत जगह बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको महाभारत में। जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तब वो विदुर के महल में रुके थे, उस समय भी वह संध्या व अग्निहोत्र करना नहीं भूले। महाभारत में आता है, कृत्वा पौर्वाहिकम् स्नानम् सुचिरलंकृतः उपतस्थे विवश्वतम् पावकम् जनार्दन। अर्थात योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी शौचादि से निवृत्त हो गए और संध्या व अग्निहोत्र किया। लोग युद्ध काल में भी महाराज श्री कृष्ण जी को संध्या व अग्निहोत्र करता हुआ ही देखते थे। युद्ध पश्चात, युद्ध की समाप्ति के पश्चात और युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व श्री कृष्ण महाराज संध्या व अग्निहोत्र अवश्य करते थे। मार्ग में हस्तिनापुर जाते समय या अन्यत्र मार्ग में ही सायंकाल होने पर वह संध्या वंदन करना कदापि नहीं भूलते। महाभारत में आता भी है, अवतीर्य रथात् तूर्ण कृत्वा शौचम यथा विधि रथ मोचनादित्यम संध्या उपविशेष हा उद्योग। सायंकाल होने पर श्री कृष्ण महाराज रथ से उतरकर शौचादि से निवृत्त होकर संध्योपाशन करने लग गए। महाराज युधिष्ठिर भी प्रतिदिन प्रातः और सायं अपने भाइयों के साथ मिलकर अग्निहोत्र व संध्योपाशन किया करते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी की इच्छा अनुसार राजसूय यज्ञ भी किया था। स्पष्ट है कि आर्य जाति के समस्त महापुरुष व देवियां संध्योपाशन व अग्निहोत्र किया करते थे। जब तक मनुष्य अग्निहोत्र व संध्योपाशन करता रहा, जीवन आनंदमय था। यह देश, हमारा भारत देश, सुख समृद्धि व अन्न का भंडार था। इसीलिए हमारे देश के लोगों की उम्र भी लंबी होती थी। लोग 200-250 वर्ष तक जीते थे, लंबा जीवन होता था। इसीलिए यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज मत, संप्रदाय, पाखंड, अंधविश्वास, विदेशी आक्रमण, कुरीतियां, इन सब के जाल में फंस करके हमारा देश, हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, मिटती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। इसीलिए अगर आज नहीं संभले, अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं किया, पुनः यज्ञों को नहीं अपनाया, तो आज जो बची कुची सभ्यता है वह भी हमारे आंखों के सामने शीघ्र ही मिट जाएगी। इसलिए पुनः यज्ञों की ओर लौटो, क्योंकि अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो घातक बीमारियों के कारण मनुष्य जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं नए नए प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यज्ञों को छोड़ दिया है। पहले लोग 200-250 वर्ष तक जीते थे, आज 50-60 वर्ष तक ही जीवन पूर्ण हो जाता है। अगर आगे भी नहीं संभले तो यह जीवन बहुत ही छोटा होता चला आएगा। इसलिए पुनः यज्ञों को अपनाइए। प्रदूषण से पर्यावरण विनाशकारी हो जाएगा,
जिससे मानव व पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अपने लिए ना सही, कम से कम आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए, उनके विकास के लिए अपने संस्कृति को अपनाइए, अपनी सभ्यता को अपनाइए, पुनः यज्ञों को अपनाइए, अपने पूर्वजों का अनुसरण कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो यह संस्कृति, यह सभ्यता शीघ्र ही मिट जाएगी। प्रदूषण से पर्यावरण विनाशकारी हो ही रहा है, तो आइए आज संकल्प लेके जाइए कि प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करेंगे, या किसी कारणवश प्रतिदिन यज्ञ नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार यज्ञ तो अवश्य ही अवश्य करेंगे, आज यह संकल्प लेके जाइए। तो आइए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना कदापि ना भूलें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपने महापुरुषों का अनुसरण करने लग जाए, कोई व्यक्ति अग्निहोत्र करने लग जाए, कोई परिवार यज्ञ में बन जाए। तो आइए इस वीडियो को शेयर करना जरूर शेयर जरूर करें, अपने परिवार में अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सत्य पथ के माध्यम से हम आपको ऐसे ही जानवरदार वीडियोस देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।